हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप साड़ी वीडियो बनाइए, साड़ी ब्लॉग बनाइए, साड़ी ब्लॉग बहुत पसंद है आपके, तो मैंने सोचा एक और साड़ी ब्लॉग लेकर आऊँ मैं। अब ज़्यादातर मैं साड़ी ब्लॉग ही बनाया करूँगी क्योंकि आप लोगों को साड़ी ब्लॉग ही पसंद है। मैंने वीडियो अपलोड किया तो मैंने उस पर रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के समझ गई कि आप लोगों को साड़ी वीडियो और ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही सोच के मैं एक ब्लॉग और लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक कर दिया करिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन पहुँचने के लिए आपको करना पड़ेगा बेल पे प्रेस, जो सबसे ऊपर वाला बेल आता है, बेल आइकन। आप जैसे सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन बन के आएगा, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑन पे ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो फिर मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो अभी कुछ नहीं, सुबह का टाइम हो रहा है, आज है मंडे, मंडे का ब्लॉग मैं मंडे को ही अपलोड करूँगी। तो आज है मंडे, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और अभी घर का काम सारा बाकी है, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग भी बना लिया जाए क्योंकि दो दिन से मैं ढंग से ब्लॉग या वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं जो भी छोटे पूरे ब्लॉग थे या फिर शॉर्ट वीडियो बोलो वही अपलोड हमने कर दिया था। तो सोचा आज तो बना ही लिया जाए, बहुत टाइम अगर हम आप लोगों से दूर रहेंगे तो कुछ लोग वीडियो देखना भूल जाते हैं, एक दो दिन वीडियो ना आए तो। तो चलिए बने रहिए। और एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों से, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा इस, मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लगाती हो, फटाफट से कर लेते हैं अपना काम स्टार्ट। और आज मैंने चाय नहीं पी है तो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, तो चलिए चाय तो नहीं पीना है मुझे, कॉफ़ी बनाऊँगी तो कॉफ़ी भी आप लोगों के साथ शेयर क्या करना, आप लोग आ जाइए पी लीजिए मेरे साथ कॉफ़ी, जिस जिस को पीना है वो। और मैं नॉर्मली कॉफ़ी बनाती हूँ, चलो स्टार्ट कर लेती हूँ फटाफट से अपना काम। तो आ जाइए, कुछ भी काम नहीं किया सच्ची, आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया। और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी, तो बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है? तो एक बात और बोलना चाहूँगी मैं, मेरी ज़्यादातर साड़ी मेरे गाँव में पड़ी हुई है क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ, वहाँ पर ससुराल में मुझे साड़ी पहननी पड़ती है, घूंघट भी लेना पड़ता है वहाँ पे, तो ज़्यादातर वहाँ पे मैं साड़ियाँ ही पहनती, ज़्यादातर क्या साड़ी ही पहनती हूँ वहाँ पे मैं, कोई सूट नहीं पहनती, कोई ड्रेस नहीं पहनती, कोई मतलब सिर्फ साड़ी पहनना है वहाँ पर, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर मेरी ज़्यादा साड़ी, और यहाँ पर मैं रहती हूँ तो यहाँ पर तो मैं जो मैंने वो पहन सकती हूँ, इसलिए और साड़ी यहाँ पर मैं बहुत कम लाई हूँ। घर जाने वाली हूँ बहुत जल्दी मैं गाँव में, तो वहाँ की बहुत सारी साड़ियाँ आप लोगों के साथ एक एक करके सारी साड़ियों के ब्लॉग आपको बनाऊ के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वो सारे ब्लॉग आपको देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर लेना, ठीक है? तो कर लेते हैं मैं अपना काम स्टार्ट, तो आइए बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपने किचन में और करना है मुझे काम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मुझे काम करना है। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि साड़ी पहन के घर के काम करो, तो बस वही रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, नहीं आएगा तो भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो रात को मैंने जो पकौड़ी बनाई थी वो चिपक गया था, छूट ही नहीं रहा था, तो अभी देखो चाकू की सहायता से उससे छुटा रही हूँ बेसन को। तो इस तरीके से अच्छे से हमें पहुँचना है, 8 दिन में एक बार गैस धो देती हूँ और रोज़ अच्छे से पानी से गीला करके कपड़ा उसको अच्छे से इस तरीके से पहुँच देते हैं, साफ़ कर देते हैं। और बस यही जैसे कि हाउसवाइफ का जो काम होता है बस वही काम कर रही हूँ, तो घर का जो काम है बस वही है। बर्तन धुले हुए रखे हुए थे रात के, तो बस उनको जहाँ के तहाँ रख देती हूँ क्योंकि रात को टाइम नहीं मिलता, लेट हो जाते, 11 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो सुबह में करेंगे ये काम। भी बर्तन धो के रख दिए थे, वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब सी थी तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बस जो हो सका वो कर दिया, जो रह गया वो सुबह के लिए छोड़ दिया, मैंने कहा सुबह कर लेंगे। तो पानी आ गया था, पीने वाला पानी आ गया था, तो हमने कहा उसका भी एक बोतल भर के रख देते हैं, खाली दिख रही थी वहाँ पे इसलिए उसको भर के रख देते हैं, फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो नल चालू करना पड़ता है तुरंत ही। और कचड़ा जब भी मैं खाना वाना पकाती हूँ तो एक प्लेट में सारे कचड़े इकट्ठा कर लेती हूँ जिससे कि इधर उधर नहीं फैलता। तो जो कि लहसुन का छिलका हुआ, प्याज का छिलका हुआ, मिर्ची का डंठल और
आलू के छिलके, ये सब मैं एक प्लेट में ही करती रहती हूँ, तो पता मतलब इधर उधर नहीं फैलते हैं। तो देख लीजिए, तो मैं आजू बाजू की भी साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि टाइल्स भी चिकनाहट जो जहाँ पे गैस रखी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, तेल की वजह से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो तेल उछट जाता है वहाँ से, तो आजू बाजू की जो दीवारें होती हैं वो भी चिकनी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन भी, कॉफ़ी बनाना था मुझे, तो कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हमने कहा दो चार बर्तन हैं इनको भी धो के फटाफट से रख देते हैं, वरना पड़े रहेंगे तो फिर मुझे मशीन का काम भी करना है, मशीन पर भी बैठना है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काम देखेंगे। तो धो देती हूँ, और ये देख लीजिए हमेशा गड़बड़ करता है, इसमें पानी अड़ जाता, पानी फंस जाता, निकलता नहीं है, तो वही हो गया, पानी फंस रहा है, निकल नहीं रहा है, मेरे कहने का मतलब रुक रहा है, पानी निकल नहीं रहा है। तो बर्तन धोने के बाद फिर कोई काम है, थोड़ा बहुत काम है, और दो दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे ढंग से, क्योंकि नहीं बन ही नहीं पाया था वीडियो, और अब आ रहा है मकर संक्रांति, तो आप सब लोगों को मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि गुजरात में मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत होता है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और यहाँ पे पतंगबाजी होती है, पतंग उड़ाई जाती है, इतनी पतंग उड़ाई जाती है कि आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग दिखती है, एक भी पंछी तो दिखता ही नहीं है। तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, कल परसों आने वाला ही है, वैसे भी आज 11 तारीख हो चुकी है, तो 14 तारीख को, 13-14 तारीख को मनाते हैं, बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होती है, और शाम के टाइम फिर जो कैंडल क्या बोलते हैं उसको, कैंडल बैलून होता है, क्या होता है वो उड़ाते, ऐसा लगता है कि आसमान में बहुत ज़्यादा तारे तारे, बहुत ज़्यादा जुगनू उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जब हम देखते हैं ना शाम के टाइम, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उत्तरायण के दिन हमारे मामी जी हैं यहाँ पे, जैसे कि रहती, मैंने आप लोगों को बताया ही था, तो उन्होंने मुझे खाने पे बुलाती हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया, तो हम उनके यहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, और वो वीडियो भी साड़ी ब्लॉग ही होगा, तो सब लोग शेयर, सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, आप लास्ट तक नहीं करते हो, बीच में ही वॉच करके चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते हो। तो ये जग रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी भर के रख देती है, पीने का जो काम आता रहता है, तो ये भी भर के रख देती, दूध हो गया हमारा गर्म, फिर हम बनाएंगे अपने लिए कॉफ़ी, तो जिस जिसको पीना है वो आ जाइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मेरा काम हो चुका है, एक दो काम बाकी हैं, तो वीडियो अभी यहीं पे एंड करेंगे कॉफ़ी बनाने के बाद। तो आज का काम अभी थोड़ा सा बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो का यहीं एंड करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे कॉफ़ी बनाना है, तो किस तरीके से मैं कॉफ़ी बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और आप लोग किस तरीके से बनाते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना, और कुछ नहीं फिर घर का काम क्या, बस एक दो काम बाकी हैं वो भी करने फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम बहुत लेट हो गया है, 11 बज गए हैं पूरे, तो फटाफट से कॉफ़ी बना लेते फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी किस तरीके से बनाती हूँ मैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत कम कॉफ़ी पीती हूँ, बस रखी हुई थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएगा, पैकेट खुला हुआ रखा था, तो मैंने कहा 1 से 1.5 चम्मच हम लेंगे चीनी, और फिर हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, यानी कि जो कॉफ़ी का पाउडर आता है वो, थोड़ा ही बचा था, फिर मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही मैंने जितना था वो सब मैंने इसमें डाल दिया है, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, कॉफ़ी थोड़ी सी निकली, मैंने सोचा ज़्यादा निकलेगी पर नहीं निकली, कोई बात नहीं, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्का सा दूध, 1 चम्मच करीबन दूध डालेंगे, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से घोलेंगे हम इसको, और अच्छे से घुल जाएगा, उसके बाद हम जितना आप इसको फेंटेंगे अच्छे से उतनी अच्छी आपकी क्रीमी कॉफ़ी बन के रेडी होगी, तो इसको अच्छे से फेंटते रहेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध, सिर्फ मैंने आधा कॉफ़ी बनाया है, तो अब हम इसमें डालेंगे दूध, और दूध को हमने पहले से अच्छे से गर्म कर लिया है, देख लीजिए जैसे कि आपको पता ही है धुआं निकल रहा है दूध से, तो बहुत अच्छा गर्म है, तो अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हमारी कॉफ़ी हो गई रेडी, बन गई है मेरी कॉफ़ी, और जिस जिसको पीना है वो आ जाइए, तो देख लीजिए, और कुछ नहीं आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ,
वो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, और नहीं आए ना तो भी कर देना फ्रेंड्स। और कुछ भी नहीं, बस इतना ही, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, बस यही आशा करती हूँ। तो मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।